हेलो दोस्तों, आज हम लोग 20 दिसंबर 2023 का जितना भी करंट अफेयर है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा नेपाल, ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, तो देखिए गेल्फू स्मार्ट सिटी जो परियोजना है उसका संबंध भूटान से है। किससे है? भूटान से है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल नीलामी में, आईपीएल जो मैच होता है, ठीक है, तो आईपीएल नीलामी में, नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो देखिए सबसे महंगा खिलाड़ी जो था वो है मिचेल स्टार्क। कौन है? मिचेल स्टार्क। सबसे महंगा खिलाड़ी मिचेल स्टार्क है आईपीएल में। और दूसरा जो है वो है पैट कमिंस। कौन है? पैट कमिंस। ठीक है, तो जो मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क है ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। ठीक है, मिचेल स्टार्क जो है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। और दो आईपीएल नीलामी 2023 में सबसे महंगा जो है ये बिके हैं 24.75 करोड़ में, 24.75 करोड़ में। और इनको कौन खरीदा है? तो KKR, कलकत्ता नाइट राइडर जो है ये टीम है, इन्होंने आपका मिचेल स्टार को 24.75 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, और फिर दूसरा जो है, दूसरा महंगा खिलाड़ी जो है वो है पैट कमिंस। तो पैट कमिंस को 20.5 करोड़ में, पैट कमिंस को 20.5 करोड़ में कौन खरीदा है? सनराइजर जो टीम है उसने खरीदा है पैट कमिंस को। ये भी ऑस्ट्रेलिया का टीम, ये मतलब खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है पैट कमिंस, जिनको सनराइजर टीम ने ये 20.5 करोड़ में खरीदा है, 20.5 करोड़ में। ठीक है, तो देखिए आईपीएल के आज तक के इस इतिहास में सबसे महंगा जो खिलाड़ी हो गया वो हो गया मिचेल स्टार्क। सबसे महंगा हो गया 24.75 करोड़ में ये बिके। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि भारतीय में सबसे महंगा कौन बिका है, तो भारतीय में सबसे महंगा आज तक का जो खिलाड़ी है वो युवराज सिंह है, जो 16 करोड़ में बिके हैं। आज तक का भारतीय में सबसे महंगा जो खिलाड़ी है वो युवराज सिंह है, और ये 16 करोड़ में बिके थे। ठीक है, अगला है कि हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए मिस्र में क्या है कि पहले जो नियम था कि कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये अब्देल फतह अल सीसी जो थे, इन्होंने अपने मतलब संविधान में संशोधन करके और उसमें संशोधन किया कि नहीं, कोई व्यक्ति 3 बार आपका राष्ट्रपति बन सकता है। और जो पहले कार्यकाल होता था, पहले जो ये फ्रांस में राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो आपका 4 साल का था, एक बार में 4 साल, और 4 साल के बाद फिर चुनाव होगा। तो उसमें फिर संविधान में संशोधन करके अब्देल फतह अल सीसी ने क्या किया, एक तो संशोधन किए कि 3 बार तक मतलब राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार नहीं 3 बार अधिकतम राष्ट्रपति बन सकता है। फिर जो 4 साल का अधिकतम कार्यकाल होता था उसको क्या किए, 6 साल का कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ये मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति, तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये 26 जनवरी को, मतलब हमारे यहाँ जो ये मेहमान आते हैं उनमें आए हुए थे 26 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किस देश ने प्रारंभ किया है। ठीक है, तो किस देश ने प्रारंभ किया है, तो ये चीन ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किस देश ने प्रारंभ किया है, तो ये चीन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए खेलो इंडिया जो गेम है, इसकी शुरुआत जो किया गया था खेलो इंडिया गेम का,
2018 में किया गया था, 2018 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है, 2018 में खेलो इंडिया गेम्स का मतलब शुरुआत किया गया था। और 2022 वाला जो है ये कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, 2022 का जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। और जो 2023 का खेल है, खेलो इंडिया गेम्स 2023, ये आपका तमिलनाडु में होगा, ठीक है, कहाँ होगा तो तमिलनाडु में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है, ठीक है। तो देखिए, कोटक महिंद्रा एक बैंक है जिन्होंने आपका ये जो ऑप्शन है हमारा आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली, इन्हीं किसी आईआईटी से क्या है कंसल्ट करके, मतलब कि मदद से इन्होंने, कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी मतलब कि ये शुरुआत किया था। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है पर्यावरण के अनुसार, मतलब जो ये स्कूल खुलेगा, ये जो स्कूल खुलेगा इसमें आपका पर्यावरण से संबंधित सभी सुरक्षा को मतलब ध्यान में रखकर कि मतलब जीरो शून्य ये कार्बन उत्सर्जन होगा, आपका जो भी होगा वो ग्रीन एनर्जी होगा, इसका दीवाल होगा जो भी होगा वो हरा कलर का रहेगा, मतलब ग्रीन एनर्जी के द्वारा ही सभी इसमें जितना भी काम होगा ग्रीन एनर्जी के द्वारा होगा, मतलब प्रकृति को पर्यावरण में ध्यान में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए होगा, ठीक है। तो ये जो है ये आईआईटी कानपुर की सहायता से, आईआईटी कानपुर की सहायता से ये आपका शुरुआत किया गया है, ठीक है। कौन क्या हुआ है तो कोटक महिंद्रा बैंक ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्या खोला है, कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया गया। देखिए, सशस्त्र बल का मतलब हो जाता है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, हमारे तीनों सेनाएं जो है उसको सशस्त्र बल कहा जाता है। और ये जो गोल्डन आउल ये मतलब ये सम्मान जो दिया गया है ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया है, श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। और ये तीनों सेनाओं को दिया गया है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों को दिया गया है, ठीक है। तो थल सेना में आपको मिला है मेजर रोहित को, थल सेना में किनको मिला है, मेजर रोहित को मिला है, ठीक है, मेजर रोहित को थल सेना में गोल्डन आउल सम्मान मिला है। और जो आपका एयर है मतलब वायु सेना है उसमें सुमित महाजन को मिला है, वायु सेना में किनको मिला है, सुमित महाजन को मिला है। और जो हमारा नेवी है, नेवी में आपको किसको मिला है तो समी शर्मा, नेवी में मिला है आपको समी शर्मा को ये गोल्डन आउल ये सम्मान मिला है। और कौन से देश ने दिया है तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस ये मतलब कि विजेता टीम कौन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की ये गलत हो गया है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है। तो देखिए, सबसे पहली बार मतलब आज तक हरियाणा टीम नहीं जीती थी, अब ये विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में पहली बार जो हरियाणा है ये जीता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो जीता है सबसे ज़्यादा बार वो तमिलनाडु जीता है। और विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और इसकी जो शुरुआत है, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत जो है वो 2002-03 में किया गया था, 2002-03 में किया गया था, ठीक है। और ये 2023 में कौन जीता है तो हरियाणा जीता है, और उप विजेता जो था वो राजस्थान था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ है विजय हजारे ट्रॉफी 2023, आपका राजकोट गुजरात में हुआ था, राजकोट गुजरात में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए, क्या होता है कि जो भी हमारे मजदूर है वो विदेश जाते हैं विदेशों में काम करने, तो यहाँ से
एजेंट के द्वारा जाता है, तो एजेंट के द्वारा क्या किया जाता है, उनके साथ ठगी कर लिया जाता है कि यहाँ पर पैसे लेकर उनको भेज दिया जाता है और वहाँ पर कोई वो नाम की कंपनी ही नहीं है, वहाँ पर जाकर वो फंस जाते हैं। तो क्या किया गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, वो सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है। तो वही है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। इसके तहत जितना भी एजेंट होगा उन लोग का लाइसेंस रहेगा, तो फिर उसमें फ्रॉड करने का मतलब कम संभावना रहेगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ? तो आनंद विवाह नियम जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।